जब से इंसानों का अस्तित्व इस दुनिया में आया है, तभी से अंधेरा उनके लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती बन चुका था। आपको बता दें कि आज से 1000 साल पहले जब कोई आधुनिक सुविधा नहीं हुआ करती थी, तब भी सूरज ढलता था और रात का अंधेरा धरती को अपनी आगोश में ले लेता था। तब चारों तरफ एक खौफनाक सन्नाटा छा जाता था। जंगली जानवर आवारा और खूंखार बनकर घूमने लगते थे। उस समय इंसानों को जीवन जीने के लिए कई कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था और इसी चुनौतियों को दूर करने के लिए और अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर इंसानों ने कई प्रयास किए थे। हालांकि हजारों साल तक के सफर में इंसानों को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिल सकी थी, लेकिन उन्हीं हजारों सालों में किए गए अलग अलग प्रयासों की वजह से आज 21वीं सदी में ऐसे ऐसे उपकरण बन चुके हैं जिससे रात और दिन में कुछ ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। आज के इस वीडियो में हम रात के घनघोर अंधेरे को दूर करके रोशनी करने वाले उन सभी यंत्रों के बारे में बात करेंगे जिनका प्रयोग स्टोन एज से शुरू हुआ और समय समय पर उनमें बदलाव करके नए नए यंत्र बनाए गए जो कि आज भी इंसानों द्वारा रात में अंधेरे को दूर करके प्रकाश करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। लिथिक एज। लिथिक एज को स्टोन एज भी कहा जाता है। आपको बता दें कि 30 लाख ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक के समय को स्टोन एज कहा जाता है, जिसको भी तीन भागों में बांटा गया है, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज। आपको बता दें कि 30 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10000 ईसा पूर्व के समय को ओल्ड स्टोन एज कहा जाता था। उस समय इंसानों के पास कुछ भी साधन नहीं हुआ करते थे, यहाँ तक कि उन्हें ये भी मालूम नहीं था कि मृत शरीर के साथ क्या किया जाए। इनके पास या इस समय रात के अंधेरे से बचने के लिए कोई उपाय नहीं था। इनके लिए चांद की रोशनी ही रात में प्रकाश का एकमात्र जरिया थी। फिर समय आता है मिडिल स्टोन एज का। आपको बता दें कि 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के समय को मिडिल स्टोन एज कहा जाता है। कई आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक इसी समय आग की खोज हुई थी और इसके सबूत हथनोरा नामक भारत के गांव की गुफा में मिलते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इस समय तक इंसान को पता चल गया था कि पत्थरों को आपस में रगड़कर या लकड़ियों को आपस में रगड़कर आग पैदा की जा सकती है। आग की खोज के बाद उस समय लोग आग से अपने खाने को भूनकर खाया करते थे और रात में इसी से रोशनी किया करते थे। शुरुआत में आग के लिए पत्तियों लकड़ियों को जलाया जाता था। न्यू स्टोन एज, उसको कई आर्कियोलॉजिस्ट 7000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक के समय को मानते हैं। आपको बता दें कि इस समय तक इंसानों ने पहले के मुकाबले काफी प्रगति कर ली थी। इस समय तक इंसान खेती करना और जानवरों को पालना सीख चुका था। आपको बता दें कि आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक इसी समय कई पुरानी सभ्यताओं द्वारा पहली बार चिराग का प्रयोग किया गया था, जिसके सबूत आज भी मेसोपोटामिया और मोहनजोदाड़ो जैसी सभ्यताओं के इलाकों में मिलते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आग के आविष्कार के बाद मनुष्य ने आग को किसी ठोस वस्तु पर चलाना शुरू किया ताकि इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार शुरुआत में दीपक पत्थर को तराशकर बनाए गए थे, जिसके सबूत आज भी बेबीलोन और मिस्र की सभ्यताओं के साइट्स पर मिलते हैं, लेकिन धीरे धीरे सभ्यता के विकास के साथ मिट्टी के दीपक भी बनने लगे। मिट्टी के दीपक मोहनजोदाड़ो की खुदाई में पाए गए थे। ये लोग जानवरों की चर्बी यानी कि जानवरों का फैट, वनस्पति ऑयल और घी को ईंधन की तरह चिराग को जलाने में प्रयोग करते थे और इसी दौरान 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक जब हड़प्पन सभ्यता अपने चरम पर थी, तब वे जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल करके चिराग जलाया करते थे और कई आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार मशाल का इस्तेमाल भी सबसे पहले टॉर्च की तरह हड़प्पन सभ्यता में ही किया गया। मोमबत्ती का आविष्कार। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे विकास होता गया और प्रकाश की खोज में और ज्यादा तेजी आई, जिसके बाद मोमबत्ती का आविष्कार हुआ। मोमबत्ती का आविष्कार किसने किया ये तो बताना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मोमबत्ती का इस्तेमाल कई सदियों से होता आ रहा है। माना जाता है कि सबसे पहले मोमबत्ती का निर्माण और उपयोग चीन में 2000 ईसा पूर्व किया गया था और मोमबत्ती के मोम को बनाने के लिए उन्होंने व्हेल मछली की चर्बी का इस्तेमाल किया था। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया मोमबत्ती के मोम को बनाने के लिए अलग अलग तरह के ईंधन का प्रयोग किया जाने लगा। फिर बाद में मोमबत्ती को बनाने के लिए शहद मक्खी के छत्तों का भी प्रयोग किया गया और फिर बाद में यूरोपीय देशों में तेल और वसा जैसे पदार्थों को मिलाकर मोम का निर्माण किया गया और उससे मोमबत्तियां बनाई गईं और फिर रोम में मोमबत्तियों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होने लगा, जिसके कारण यहाँ पर मोमबत्तियां और भी कई प्रकार के ईंधन द्वारा बनाई जाने लगी। आपको बता दें कि मोमबत्ती का प्रयोग पिछले 400 सालों से कुछ ज्यादा बढ़ गया था,
जब तक बल्ब का आविष्कार नहीं हुआ था। यूरोपीय देशों में घरों को इसी तरह से बनाया जाता था ताकि रात में मोमबत्ती से उजाला ज्यादा हो सके। 19वीं शताब्दी में जब मोमबत्तियों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने लगा, तब इसका निर्माण व्यावसायिक रूप से किया जाने लगा था। और फिर सन 1834 में जोसेफ मोर्गन ने एक मशीन के लिए पेटेंट भी करवा लिया, जिससे एक घंटे में लगभग 1500 मोमबत्तियां बनाई जा सकती थी। और इस मशीन के कारण मोमबत्तियों का निर्माण जल्दी होने लगा और मोमबत्तियों की कीमत भी कम हो गई। लालटेन का आविष्कार। 9वीं सदी तक रातों को रोशनी के लिए जानवरों की चर्बी या घी से बने दीपक या मोमबत्ती का इस्तेमाल हुआ करता था। फिर जब रातों को कहीं जाने की जरूरत पड़ी तो मशाल बनाई गई, पर ये उतनी कारगर साबित नहीं हो सकी क्योंकि अक्सर ये रात के समय आंधी और तूफान में बुझ जाया करती थी। इसीलिए कई खोजकर्ता किसी ऐसे दीपक को बनाना चाहते थे जिससे जंग के समय या रात में बारिश और इमरजेंसी के वक्त इस्तेमाल किया जा सके, जिसके चलते लालटेन का आविष्कार हुआ था। और आपको बता दें कि लालटेन के आविष्कार का श्रेय मोहम्मद इब्ने मूसा इब्ने शाकिर को जाता है, जो कि एक अरब के खोजकर्ता थे। मिट्टी के तेल के वजूद में आने से पहले लालटेन को घी और जानवरों की चर्बी से ही जलाया जाता था। हालांकि कई आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक लालटेन जैसे दिखने वाले कई चिरागों को चीन और भारत में भी खुदाई के दौरान वो मिले हैं, इसलिए इसका आविष्कार किसने किया ये आज भी एक रहस्य ही है। लेकिन मिट्टी के तेल की खोज के बाद ये प्रकाश का मुख्य स्रोत बन गया था। यहाँ तक कि इनका उपयोग रेलगाड़ी को संकेत देने के लिए भी किया जाने लगा था, और पुराने दिनों में ये टॉर्च की भांति भी प्रयोग किया जाता था। कैरोसिन ऑयल, जिसे मिट्टी के तेल या दक्षिण भारत में घासलेट भी कहते हैं, वहीं लालटेन के आविष्कार का कारण बना। आपको बता दें कि आज भी हमारे देश के गांवों को रोशन करने के लिए ये एक प्रमुख माध्यम है। हालांकि 9वीं सदी तक मिट्टी के तेल की खोज नहीं हुई थी, इसलिए ये उस समय तक एक बेकार यंत्र माना जाता था। फिर बदलते वक्त के साथ 1669 में कोयले की खोज के बाद कोयले से जलने वाले लैंप बनाए गए, जिनका इस्तेमाल कई वर्षों तक रोशनी के लिए किया गया। खास तौर पर इसका इस्तेमाल किलों में रोशनी के लिए किया जाता था। गैस लैंप का आविष्कार। 17वीं सदी तक ऑयल लैंप और कोल लैंप का प्रयोग रोशनी के लिए सड़कों, घरों और कारखानों में किया जाने लगा था, पर यह एक बहुत ही समय लेने वाला और थका देने वाला काम था। रोज रोज इसके शीशे को साफ करना, इसमें ईंधन भरना जैसे कि वनस्पति ऑयल या व्हेल मछली की चर्बी या फिर मोमबत्ती का इस्तेमाल करना, ये सभी काम कारखानों में होने वाले काम को धीरा कर देता था, क्योंकि ये काम समय लेता था और इससे पर्याप्त रोशनी भी नहीं होती थी। इसीलिए जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, उस समय बहुत सी कंपनीज किसी ऐसे लैंप को खरीदना चाहती थी जिससे रात में भी अच्छा उजाला हो सके और ज्यादा समय भी ना लगे। फिर सन 1800 के कुछ दिनों के बाद से एक नए प्रकार का ईंधन बनाया जाने लगा, जिसे बनाने के लिए कोयले को एक बंद कंटेनर में निश्चित तापमान पर निश्चित समय के लिए गर्म किया जाता था, और फिर इससे जो गैस निकलती थी उसे प्रेशर के जरिए जरूरत की जगह में भर दिया जाता था, और फिर उसका प्रयोग गैस लैंप में किया जाने लगा था। और इसी गैस लैंप को कई वर्षों तक स्ट्रीट लाइट और घोड़ा गाड़ी में प्रयोग किया जाता रहा। सेफ्टी लैंप का आविष्कार। फिर जब 18वीं सदी में जब खदानों में खुदाई का काम शुरू किया गया, तो ये लैंप खदानों के लिए खतरनाक साबित होते थे, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलती थी जिस कारण ये काफी गर्म हो जाता था और खदानों में गैस के रिसाव की वजह से आग लग जाया करती थी। इसीलिए हम्फ्री डेवी ने सन 1816 में सेफ्टी लैंप का आविष्कार ब्रिटेन में किया, जो कि एक प्रकार का सुरक्षा दीपक था जिसमें वायर गॉज लगे होते थे, जो कि आग से निकलने वाली ऊष्मा को सोख कर उसके टेम्परेचर को कम कर देती थी और आग को हवा से बचाकर उसे संतुलित रखती थी। फिर इसी से कोयले की खानों में रोशनी की जाती थी, जिससे आग लगने का खतरा नहीं होता था। कोलमैन आर्क लैंटर्न। आपको बता दें कि 19वीं सदी के अंत तक कई तरह के ऐसे लैंप और लालटेन बनाए जा चुके थे जो अलग अलग ईंधन से चलते थे, जैसे मिट्टी के तेल, गैसोलीन, चर्बी, यहां तक कि सन 1878 में लाइट बल्ब का भी आविष्कार हो चुका था। अगर आपने बल्ब के आविष्कार का पूरा इतिहास वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे जरूर देखें। आपको बल्ब से जुड़ी हुई सारी जानकारी मिल जाएगी कि किसने कब और कैसे बल्ब के आविष्कार में अपना अहम योगदान दिया था और अंत में कामयाबी कैसे मिली थी। हालांकि बल्ब का आविष्कार आज के समय के लिए बहुत ही उपयोगी चीज है, पर 20वीं सदी की शुरुआत तक बल्ब बहुत ही कम जगहों तक सीमित था। ये यूं कहें कि बिजली भी अभी पूरी तरह से आम लोगों के प्रयोग में नहीं आई थी, इसीलिए इस समय तक भी लोग लालटेन को घर में रखना ज्यादा पसंद करते थे। इसी को देखते हुए साल 1914 में W.C. कोलमैन ने एक आर्क लैंप का आविष्कार किया था।
इनकी बनाई हुई ये आर्क लालटेन बहुत ज्यादा मशहूर हो गई थी। ये आर्क लालटेन भारत में भी बहुत मशहूर हुई और तब तक उपयोग में आती रही जब तक इन्वर्टर और जनरेटर का आविष्कार नहीं हो गया।